बहन, अपने बच्चों के लिए अपना बच्चा रो रहा है। अरे बाप का बच्चा रो रहा है। इशारे भाई, इशारे भाई, ये देखिए बच्चा छोड़ के जा रही है और भागकर। ये मेरा बेटा समी, 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 मेरा बेटा, ओ मेरा बेटा, मेरा समी, मेरा समी, ये अल्लाह तेरा शुक्र माफ कर देगा, ये मेरा बेटा, आपके मसले का एक ही हल है मेरे पास। ये बात मैंने आपको पहले भी कही थी और आज भी कह रही हूँ। आप शादी कर लें, वरना आपका बच्चा रुल जाएगा। अरे सेवा बहन, सौतेली माँ के होते हुए भी तो बच्चे रुल जाते हैं ना, और अभी तो शगुफ्ता का बिखरा सामान भी नहीं सिमटा, और आप कह रही हैं कि मैं उसकी जगह किसी और को दे दूं? नहीं, उसकी जगह देने को नहीं कह रही। वो आपकी बच्चे की माँ थी और हमेशा रहेगी। ये बात सोचने में अच्छी लगती है, हकीकत में तो बच्चे को पालने के लिए माँ की जरूरत होती है, चाहे वो सुतेली से। अब देखिए, कुछ दिनों बाद अबीर और मुमना की शादी हो जाएगी, उसके बाद तो आपको खुद ही सब कुछ करना पड़ेगा। और फैमी से अच्छी माँ आपके बच्चे के लिए तो हो ही नहीं सकती। इस वक्त इसे मुझे दे दीजिए, मैं इसे उसकी दुल्हन अम्मी के पास ले जाऊंगी। वो इसे गोद में लेने के लिए बहुत बेचैन हो रही है। वाह खाला, खालू तो बड़े मॉडर्न ढूंढे तुमने मेरे लिए, हैं? बच्चा पहले से ही गोद में। वाह भाई, तेरी तो लॉटरी निकल आई है। ये लो फैमिली, प्यारा मुन्ना सा तोहफा। मेहर की रकम आप अभी अदा करेंगे या? जी अभी अदा करूंगा, आप 5 लाख रुपए लिख लीजिए। देखा फैमी, मैंने कहा था ना कि ये शरीफ है लेकिन गरीब नहीं। अबरार हसन वल्द हसन सज्जाद, फहमीदा बेगम बिनते साबिर अहमद को मेहर मुअज्जल सिक्का राजल वक्त मुबलिक 5 लाख रुपए के वज आपके निकाह में दिया जाता है, क्या आपको निकाह कबूल है? जी कबूल है। क्या आपको निकाह कबूल है? कबूल है। क्या आपको निकाह कबूल है? जी
कबूल है। बाबा ताए, इसको मुझे दे दें। दे दे। बाबा, मेरा भाई कहाँ चला गया था? तुम्हारी बड़ी बहन गुस्से की भी तेज हूं तो प्लीज रोना नहीं बाबा, छोटा सा है ना बिल्कुल। देखिए बाबा, मैंने खाना बनाया आज, भिंडी गोश्त, मम्मी का फेवरेट। कॉलेज से जल्दी आ गई थी ना, अब मैं और समी घर पर रहेंगे साथ साथ। हाँ समी, दोस्ती करोगे ना मुझसे? हाँ देखिए बाबा हंस रहा है। अब बाबा ऑफिस जाएंगे और हम दोनों साथ रहेंगे, ठीक है? क्या हुआ बाबा, आप थक गए हैं क्या? समी को डॉक्टर के पास ले गए होंगे, है ना? आप फिक्र नहीं करें, अब से इसको डॉक्टर के पास मैं ले जाऊंगी, आप बस मुझे बता दीजिएगा। क्यों समी, साथ चलेंगे, ठीक है? आप फिक्र नहीं करें, बहुत सर पे चढ़ गई है ये, मैं इसको समझाऊंगी और इसकी कोई बात भी नहीं मानूंगी अब से। क्यों, हम दोनों सोच रहेंगे मेरा प्यारा प्यारा सा समी। बाबा आप फ्रेश हो जाए ना, मैं खाना लगाती हूँ, ठीक है? फिर हम साथ बैठ के खाना खाएंगे, ठीक है? चलो आ जाओ। अरे ये अंकल किसके साथ है? अरे वहां पे कपड़े भी हैं। हर चीज यहाँ पे मिलती है। पता नहीं होगी कोई क्लाइंट या कोई, मैं नहीं जानती। क्लाइंट? इतनी तैयार क्यों आई है? कमाल है भाई, कुछ सीखो इनसे, ये होते हैं जिंदा दिल लोग। वाह, आपने तो मुझे यहाँ से कुछ दिलाया ही है। अरे कहाँ जा रही हूँ, सलाम दुआ तो कर लूँ मैं।
अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम, कैसे आप? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो जीते रहो। अरे उस दिन तो तुमसे बड़ी सरसरी सी मुलाकात हुई। अरे अब्रा साहब ये तो, हाँ तुम तो वही हो ना अब्रा साहब के होने वाले दामाद, मोमना के मंगेतर हो ना है अब्रा साहब। अरे मुझे बताया था अजेबा ने तुम्हारे बारे में, भाई तुम तो बहुत ही जबरदस्त प्यारे लड़के हो। अरे भाई मोमना तुम कैसी हो है यहाँ पे? अच्छा भाई छोटे बेबी के लिए शॉपिंग करने आए हो है? जी वो एक्चुअली मैंने उसको कोई गिफ्ट नहीं दिया था तो बस उसी के लिए लिया है। बेटा आप लोगों ने सोचा होगा तो कुछ अच्छा ही सोचा होगा। वो मैंने सोचा कि मैं भी समी के लिए कुछ चीजें वीजें खरीद लूं। अरे बला के सादा इंसान है, अब इनको क्या पता कि बच्चों की शॉपिंग कैसे होती है। तो मैंने ही कहा कि फिक्र मत करे मैं करा देती हूँ ले जाके आपको शॉपिंग। अरे समी माशाल्लाह से बड़ा हो रहा है ना, तो इसकी उम्र में कपड़े जल्दी जल्दी छोटे हो जाते हैं। और वैसे भी एक ही फीडर तो अच्छा नहीं होता ना बच्चे को देना, जरा दो चार फीडर घर में रखे होने चाहिए। क्यों भाई? जी थैंक यू, आइंदा इस बात का ख्याल रखूंगी मैं। आई थिंक आप लोग अभी आए हैं, प्लीज कैरी ऑन, मैं मोमिना को घर ड्रॉप कर दूंगा। बहुत शुक्रिया आपने समी के बारे में इतना सोचा, वैसे आजकल कोई सोचता नहीं है। थैंक यू। फहमीदा बिनते असलम खान को अब्बार अहमद की ज़ौजियत में दिया जाता है। देर हो गई, आप अभी तक घर नहीं आए। पहले इतनी देर नहीं होती थी, अब तो रूटीन ही खराब हो गई उनकी। तुमने उनके बच्चे की जिम्मेदारी जो संभाल लिया, उनको पहले ही हमारी फिक्र नहीं थी, अब वो समी की तरफ से भी बेफिक्र हो गए। बता रही हूँ आप, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ, और इस समी की वजह से ना ना तुम्हारी शादी होगी। शादी क्या? क्या शादी? ये सब कुछ शादी की ही क्यों पड़ी हुई है? इस दुनिया में सब कुछ सिर्फ शादी है क्या? जिसको देखो शादी शादी शादी, उधर जाके बाबा ने फहमीदा बेगम से शादी कर ली। क्या ऐसे क्यों देख रही हो? हमारे बाबा ने उस नर्स के साथ शादी कर ली है। मैंने ये फैसला खुद पे जबर करके किया है, अगर उस दिन शायद समी के साथ वो सब कुछ ना हुआ होता तो मेरे लिए ऐसा सोचना भी गुनाह था। खैरों के हाथों में रुल जाएगा, मैंने उसके लिए सोचा। और बहुत अच्छा किया जो आपने समी के लिए कुछ सोचा। कभी कभी जबर के फैसलों में भी खुशी मिल ही जाती है। अब आप एक काम करें, उस औरत को इस घर में ले आए,
आप रात को घर से बाहर रहेंगे और हमारी रातें डर डर के गुजरेंगी। आबी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? वो औरत जिसकी शक्ल मुझे बर्दाश्त नहीं होती, वो हमारे घर में आके रहेगी? जो होना था वो हो गया, जाओ अपने कमरे में जाओ। हमारी खामोशी में ही हमारी इज्जत है। कहाँ रह गई इज्जत जिसकी तुम बात कर रही हो? अगर वो औरत इस घर में आई ना, तो मैं उसका जीना हराम कर दूंगी। मेरी माँ की जगह कोई नहीं ले सकता, सुन रहे ना बाबा? मत कहो मुझे बाबा, मर गया तुम्हारा बाबा। दुआ करो कि जहां तुम्हारी माँ गई है ना, वहां मैं भी चला जाऊं। मोमिना, मैं सिर्फ सच सुनना चाहता हूं। तुम सब जानती थी ना, अंकल ने तुम्हें बताया होगा कि अंकल ने उस औरत के साथ दूसरी शादी क्यों कर ली। हम बस करें, शादी मेरे बाबा ने की और कटहरे में आप मुझे खड़ा कर रहे हैं। जैसे ही मुझे पता चला था, मैंने सबसे पहले आपको कॉल की थी। पापा ने उस नर्स से शादी क्यों की मैं नहीं जानती और ना ही जानना चाहती हूं यार। अंकल ने उस औरत से शादी करके ठीक नहीं किया, मैं सिर्फ ये जानता हूं। ठीक है, किसी दूसरे की पर्सनल लाइफ में हमें इंटरफेयर करने का, कमेंट करने का कोई हक नहीं है, लेकिन फिर भी ये बात ऐसी नहीं है कि मैं तुम्हें और खुद को इससे अलग रखूं। जानती हूं बाबा ने जो किया उससे ना ही हमें कोई फायदा पहुंचेगा और ना ही समी को। अगर किसी को फायदा पहुंचेगा तो सिर्फ फहमी आंटी को। शायद वो इसीलिए हमारे घर आई थी। पता नहीं क्या हो गया तुम्हारे बाबा को, अपनी उम्र का ही लिहाज कर लेते यार। अरहम प्लीज, आपने मुझे कोई फैसला सुनाना है तो सुना दीजिए। अरे मोमना बेटा, कैसी हो? जरा सहारा देके अंदर तो ले जाओ। अरे अब्रा साहब बिल्कुल खड़ा नहीं हुआ जा रहा मुझसे तो यहाँ। बस बस बस, चल। ये क्या किया आपने बाबा? मैंने आपसे कहा था ना कि अम्मी की जगह कोई नहीं ले सकता, आप इन्हें यहाँ क्यों लेके आ गए? इन्हें ले जाएं। अच्छा बेटा, बैठ के बात कर लेते हैं ना। इनकी हालत देखो ना, इस हालत में कहाँ लेके जाऊंगा इसे मैं। और वैसे भी अब ये मेरी जिम्मेदारी है, और अगर देखा जाए तो मेरे रिश्ते से ये तुम्हारी माँ बनती है। हमारी माँ मर चुकी है, कोई भी उनकी जगह नहीं ले सकता। आप यहाँ से चली जाएं प्लीज, इनको ले जाएं यहाँ से। अब्रार साहब, आपने तो मेरी जिंदगी का मजाक ही बना दिया। तकलीफ के मारे जान निकली जा रही है, खड़ा नहीं हुआ जा रहा मुझसे सीढ़ियों पर, और घर के अंदर जाने के लिए इजाजत का इंतजार करूं अब मैं? हद हो गई है। बात सुनो मोमना, देखो बेटा, मैंने ना तुम्हारे बाबा के साथ निकाह किया है, बकायदा उनके निकाह में हूं मैं, और मैं तो अब यहीं रहूंगी। अब चाहे तुम मुझे अपनी माँ मानो या ना मानो, मैं तो इस घर में तुम्हारी माँ बनने की सारी जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए आ गई। आप चुप रहे, चुप हो जाओ बस। ये मेरे बाबा पहले हैं और उसके बाद जो भी तुम्हारे साथ रिश्ता है वो होगा। मैं इस वक्त अपने बाबा से बात कर रही हूं, समझी? बीच में मत बोलो। कभी भी ये सोचना भी नहीं कि तुम हमारी मां बन सकती हो, कभी नहीं।
हाथ तो नहीं खराब तेरा? तेरी माँ ने तमीज नहीं सिखाई? आपका लिहाज करना, दे दिया मुंह पर रख के तेरे। ऐसी ही हूँ मैं, बदकिस्मती से मैं ऐसे ही हूँ। और अगर मेरी माँ ने मुझे तमीज सिखाई होती तो तुम जैसी आंटी से बदला कैसे लेती मैं? अबीर, खामोश हो जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं खामोश ही हूँ बाबा, लेकिन एक बात बता दूं, और वो ये कि अगर आपने इस आंटी को मेरी माँ के कमरे में जगा दी ना, तो मैं इस घर को जला के राख कर दूंगी। और आप अच्छी तरह जानते हैं मैं ऐसा कर भी सकती हूँ। क्या फायदा अबीर, इस तरह से तुम अपनी और अम्मी की बेइज्जती ही करवाओगी। बाबा, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है, इनको गेस्ट रूम में ही रहने दीजिएगा। प्लीज अम्मी के कमरे में मत लेके जाइएगा, प्लीज। इसके सोने का टाइम है ना, मैं इसको सुला देती हूँ। अबराज साहब, ये बच्चे के मामले में मुझे खेचा तानी बिल्कुल पसंद नहीं है। अब से ये बच्चा यहीं रहेगा, यहीं सोएगा, आदत पड़ते पड़ते पड़ ही जाएगी। आप अपनी जबान में मोमना को समझा दीजिए, आप मुझे इस बच्चे की माँ बना के इस घर में लाए, और जिस वजह से आपने मुझसे शादी की, मुझे बीवी बनाया, वो काम तो मैं पूरा करूंगी ना। मैं भूल गई थी कि आप इसके लिए नई माँ ले आए हैं। आज से मेरा काम और मेरी ड्यूटी खत्म। चलो 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 चलो, मैं सम्मी के लिए खाना बनाऊंगी, फिर बिना सम्मी गुद्दा खाएगा और बड़ा हो जाएगा। अरे भाई, कोई है इस घर में? नाश्ता दे दो मोमना। भाई तुम्हारे अब्बा भी उठ गए? अरे ला, अरे मोमना, मैं सुना है तुम चाय बड़ी अच्छी बनाती हो, लाओ सम्मी को मुझे दे दो। ये मुझसे बात करी है, इन्हें खुद कलामी की आदत है। अरे मोमना, जरा नाश्ता बना दो जल्दी से। सुन लो, ये फरमान तुम्हारे लिए ही है भाई, अब उठो जाओ, अपनी नई माँ के लिए चाय बनाओ। अब ऐसा नहीं करोगी तो गुनाह मिलेगा। तुम कैसे कर लेती हो इस किस्म की ड्रामाई बातें? मुफ्त की आया जो मिल गई है आप ही उन्हें। इंसान को ना अपनी जिंदगी में अपनी अहमियत का अंदाजा होना चाहिए। तुम चुप कर, आपको होश है कि समी कल रात से कहाँ है और किस हाल में है?
अभी तो इनके होश उड़ने के दिन है। मैं बात कर रही हूँ ना अभी। क्यों नहीं होश मुझे कि समी किधर है? अपनी बड़ी बहन के पास है और बड़ी बहन तो माँ जैसी होती है, मुझे फिक्र करने की क्या जरूरत। बड़ी बहन नहीं पालना और संभालना था तो माँ लाने की क्या जरूरत थी? वोरा घर से बाहर जाने का रास्ता। घर से बाहर मैं नहीं बल्कि तुम दोनों जाओगे। क्या चाहिए? और ये कौन सा तरीका है दरवाजा नॉक करने का? तमीज अमीज नहीं है तुम्हारे अंदर? बोलो क्या चाहिए बदतमीज कहीं के। सॉरी जी, खाला से मिलने आया हूँ अपनी। जाओ बताओ उन्हें, उनका भांजा आया खासे है। पहले खाला और अब ये भांजा, क्या तमाशा लगाया हुआ तुम लोगों ने? यहाँ तुम्हारी कोई खाला वाला नहीं है, जाते हो या पुलिस को बुलाऊं? शौक से जी, वैसे खाला ने ठीक ही कहा, तीखी मिर्च है इस घर की एक लड़की, और शायद वो आप ही हैं। अरे अरे क्या हो गया, मेरा कोई मेहमान इस घर में नहीं आ सकता क्या? भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारे रिश्तेदार, ये हमारा घर है, यहाँ तुम्हारे कोई मेहमान मेहमान नहीं आएंगे। लगता है तुमने अब तक अपनी बेटियों का दिल नहीं जीता। कितनी गलत बात है। बेटियां माय फुट। वैसे सलाम है तेरी अम्मा को, जो तुझ जैसी शुरली को ना पाल के बड़ा किया। देखा जाने भी दो खाला, वैसे एक जरूरी बात करनी है मिस, अगर आप इजाजत दें तो चला जाऊंगा मैं। पता नहीं कैसे कैसे जंगली जाहिल देखने पड़ेंगे अपने घर में। अरे बस बस मुंह बंद कर, और तू क्या इसके मुंह लग रहा है, चल अंदर दरवाजा बंद करके अंदर आ। चल अगर आपको मुझसे शादी नहीं करनी तो मत करें, मगर कम से कम शादी नाम की तौहीन तो ना करें। अगर आप दिल के हाथों मजबूर हैं तो मैं भी मजबूर। अगर आप मुझे समी के साथ एक्सेप्ट कर सकते हैं तो ठीक है, आपके पास 24 घंटे हैं। अगर आपका जवाब हाँ हुआ तो कल हम फिर मिलेंगे। मैं चलती हूँ, खुदा हाफिज़। सजना देखें, मैं तो कहती हूँ कि मुमना के साथ साथ ना अबीर को भी रुखसत कर दीजिए, मैंने एक बहुत अच्छा रिश्ता देख रखा है, कहें तो मैं बात चलाऊं। आपने आते रिश्ते ढूंढने शुरू कर दिए। अरे तो इसमें ढूंढना क्या है, वो है ना मेरा भांजा कासिद, देखा तो है आपने, मिले भी थे आप, अच्छी शक्ल सूरत का है, पढ़ा लिखा लड़का है, खुश रखेगा हमारी बेटी को, और वैसे भी साल में 2-3 चक्कर तो दुबई के लगते ही है उसके, बहुत शौकीन है, मुझे तो लगता है दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी निभेगी। अच्छा किस चीज की दुकान है उसकी, मेरा मतलब है अपनी है या किराए पे? वो मोबाइल का बिजनेस करता है ना, वैसे अभी तो दुकान उसकी किराए की है, लेकिन वो सोच रहा है खरीद ले, बाप के पास बहुत पैसा है उसके, असल में मैंने उसको ना बचपन में ही गोद ले लिया था, मुझे क्या पता था मेरी किस्मत आपके साथ लिखी है, मैं तो उसे बुढ़ापे का सहारा समझकर पाल पोस के बड़ा कर दिया, और पता है मेरी सारी जिंदगी कमाई जो है ना वो भी उसी की है, मैं नहीं चाहती उसकी जिम्मेदारी कोई और उठाए, घर का बच्चा है और घर की बच्ची से ही शादी हो जाएगी तो अच्छा हो जाएगा ना। चले अबीर के लिए तो अभी काफी वक्त है, मैं कहता हूँ मोमना के लिए कोई अच्छा लड़का मिल जाए, बहुत सेंसिटिव है, हसास है, अपने दिल की बात किसी को बताती नहीं है। लेकिन उसका तो रिश्ता आपने, मैं अरम के साथ उसकी शादी हरगिज नहीं करूंगा, चाहे अफान आके मेरे कदमों में क्यों ना पड़ जाए। चलो अच्छा है, मोमना की शादी की मुझे भी कोई जल्दी नहीं, उसकी शादी हो जाएगी तो उनके शहजादे को कौन पालेगा। पानी पानी
क्या टूट गया? तू तू इस वक्त किचन में क्या कर रही है? क्यों आई तू किचन में? ये क्या, ये क्या मेरी लेट डिनर से प्रॉब्लम हो गई है क्या? क्या चीज है, क्या चीज है? यही चीज हूँ मैं। मुझे अगर इंसानियत की पट्टी पढ़ाने की बातें की ना, तुम्हारा यही हशर करूंगी मैं। अरे पागल हो गई हो क्या? क्या कर रही हो? दिमाग खराब है तुम्हारा? हाँ पागल हूँ मैं। जब मेरे सामने कोई ड्रामेबाजी करता है ना, तो पागल बन का दौरा पड़ता है मुझको। अरे इंसान की बच्ची बनो, ये मेरा डिनर सेट था, मैं अपने घर से लेकर आई थी इसको। अभी तो ये डिनर सेट बर्बाद हुआ है। अरे भाई क्या हुआ, कहीं कोई बिल्ली बिल्ली तो नहीं दूध गिरा गई? बताती हूँ मुझे, मेरे बाप को अगर उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाने की कोशिश की ना, तो तुम्हारा भी यही हाल करूंगी और भूल जाओगी कि तुम मेरे बाप की दूसरी बीवी हो। अगर आप मुझे समी के साथ एक्सेप्ट कर सकते हैं तो ठीक है, आपके पास 24 घंटे हैं। अगर आपका जवाब हाँ हुआ तो कल हम फिर मिलेंगे। मामा मैं फिजा से शादी करने के लिए तैयार। लेकिन मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, मैं फौरन नहीं शादी करूंगा उससे। और आई थिंक फिजा को भी थोड़ा टाइम चाहिए। तुम्हारी फिजा से इस मौजू पे कोई बात हुई है क्या? जी थोड़ी देर पहले ही बात हुई थी। आप ऐसा करें, हमारी एंगेजमेंट कर दें, इस तरह आपकी ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी और हमें भी एक दूसरे के साथ टाइम गुजारने का मौका मिल जाएगा। थैंक यू सो मच बेटा, तुमने मेरा मान रख लिया। माल निकाल, माल निकाल। कौन सा माल निकाल? अच्छा ना यार, आराम से बेटा, निकल। ये लो, निकल जल्दी कर, पैसे दे। कौन से पैसे? पैसे एटीएम से निकाले, तूने पैसे दे। हाँ दे पैसे, मोबाइल दे, मोबाइल निकाल। दे रहा हूँ ना, आराम से मोबाइल दे। ये लो चल, घड़ी उतार, आराम से निकाल रहा हूँ, घड़ी उतार जल्दी, उतारता हूँ ना आराम से। इसे तो पीछे कर, भागता किधर है? आराम से ना उतार, किधर है? कासिद निकल, कासिद बैठ गाड़ी में, कासिद जल्दी कर। Ah!
किसी का मोबाइल मिला है और इस पर कॉल भी आ रही है। बाबा आप कहाँ रह गए, इतनी देर हो गई है। अच्छा सुने, आप आ ही रहे हैं ना, तो वो समी देखिए मिस, मैं एसएचओ अजहर बात कर रहा हूँ। इंस्पेक्टर, ये मेरे बाबा का नंबर है ना? जी जी, ये आपके बाबा का ही नंबर है। देखिए बीबी, मेरी बात जरा हौसले से सुनिएगा कि आपके वालिद के साथ एक हादसा पेश आया है। अरे मोमना, क्या हुआ तुझे, क्या कर रही है तू, किसका फोन था? मोमना बाबा, क्या बाबा, फोन पे कौन है? हेलो, देखिए बीबी, मैं इनसे भी ये कह रहा था कि आपके वालिद के साथ एक हादसा पेश आया है। कुछ डकैतों ने उनके साथ वारदात करने की कोशिश की और उसमें वो जख्मी हो गए। फिलहाल हमने उन्हें हॉस्पिटल भिजवा दिया है। आप काइंडली उनकी शिनाख्त के लिए फिरोजाबाद थाने में आ जाए। हाँ, अल्लाह हाफिज। सीसीटीवी फुटेज चाहिए मुझे। चले गए मुझे छोड़ के, मैं किसके सहारे जिंदा रहूंगी? आए मेरा घर बर्बाद हो गया, मैं उजड़ गई, सेवा मेरे पास कुछ नहीं बचा। आए इतनी मुश्किल से तो मेरी जिंदगी आए, सारे सुख दे के सब छीन लिए मुझसे। आए अब क्या होगा मेरा, आए मेरा सहारा। बस फहमी, सबर करो, सबर करो। अब तुम्हारे रोने से अबरार भाई तो वापस नहीं आ सकते ना, अभी इनकी तकदीर का करना है। मनो मिट्टी तले मेरे शौहर को दफना दोगे तुम लोग? आए अबरार साहब ने क्या कसूर किया था, क्यों मार दिया, क्यों मार दिया इनको? आए मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा खाला, वो खालू भी तो किसी से दुश्मन ही नहीं थी, ऐसे कौन मार के चला जाएगा इनको? बड़ा दुख हो रहा है मुझे खाला। आपके चोरों का कोई दिन मान नहीं होता कासिम, ये किसी के नहीं होते, सिर्फ जानी दुश्मन। मेरा अल्लाह एक सेकंड का रहम नहीं करेगा जिसने मेरे शौहर की जान ली। इसका जीना मरना हराम कर देगा अल्लाह पाक। देखना कासिम, कुत्ते की मौत मरेगा जिसने मेरे शौहर के साथ ये जुल्म किया है। अल्लाह तू उठा ले उसको, अभी उठा ले। बस कर खाला, क्या मुंह भर भर के दुआएं दी जा रही है, लोग लो, लो, लो क्या कहेंगे? लोगों की बातें कर रहे हैं, बाहर में जाए लोग। सुहाग चढ़ गया मेरा, मैं बैन भी ना करूं, किसी से ना कहूं। खुदा गारक करे उसको जिसने मेरे साथ ये जुल्म कर दिया। आए छोटा बच्चा, जवान बेटिया छोड़। ये पुलिस को किसी ने बुलाया है? पुलिस को किसी ने बुलाया है? हाँ भाई, वो इतना बड़ा हादसा हुआ है तो तफ्तीश तो करेंगे ना, आके किसने मार दिया। ये तो बहुत लंबाइयां हो रही हैं खाला, मैं चलता हूँ, तूने अपना ख्याल रखना। देख अब जो होना था ना वो हो गया, किस्मत का लिखा ना कोई टाल नहीं सकता। मेरे कासिम तू क्यों जा रहा है? मुझे जरूरी काम है, मैं वो निपटा के आता हूँ। कासिम जल्दी आ रहा है। सुनो जेबा, पुलिस आई है।
मोहल्ले वालों से पूछगछ कर रही है, तुमसे भी करेगी, पूछेगी, तो तुम खुल के बता देना जिस पे भी तुम्हें शक हो। अच्छा, और ये भी कह रही थी कि सीसीटीवी कैमरे की भी रिपोर्ट एक दो दिन में आ जाएगी, फिर उस मनहूस डाकू की शक्ल भी नजर आ जाएगी हमें। वो दगारक करेगा, तुम देखना, फांसी के तख्ते पे चढ़ाए अल्लाह, देगी बहुत अच्छी। आंटी, अरम के फोन पे इसकी कॉल आ रही है, प्लीज अटेंड कर ले, शायद कोई इम्पोर्टेंट कॉल हो। हेलो अरम, मैं मोमिना बात कर रही हूँ। इरफान अंकल से मेरी बात करवा दो, मुझे उनसे कुछ जरूरी काम है। तुम में शर्म नाम की कोई चीज है या नहीं? आखिर चाहते क्या हो तुम? अरहम और फिजा की एंगेजमेंट ना हो, फरियाद करनी है अफान से। शर्म आती है मुझे ऐसे माँ बाप पर जिन्होंने तुम जैसी औलाद को पैदा किया। आंटी प्लीज। मेरे माँ बाप को कुछ ना कहें, मेरे बाबा अब इस दुनिया में नहीं रहे, बस यही बताने के लिए अफान अंकल को फोन किया था। कैसी बातें कर रहे हैं? जिस तरह की बातें मुझे पहले करनी चाहिए थी। एक दिन नहीं हुआ मेरे मियाँ को मरे हुए, अभी मैं बेवा हुई हूँ और मेरी नींद बहुत बुरी लग रही है तुम्हें। मुझे आपकी नींद से कोई सरोकार नहीं, लेकिन अगर आपने समी को अपने पास सुला ही लिया तो उसका ख्याल भी रख सकती है ना। बच्चों के सिर पे चोट लग जाए तो दिमाग पे असर हो सकता है। सारे दिमाग वाले मेरी ही किस्मत में आके फूटे हैं, मैं ही एक पागल रह गई हूँ ना यहाँ पर। बात सुनो बीबी, इसको उठाओ और खुद संभालो, समझ आइए, वरना कल कर आपको कुछ हो गया ना इसे तो कहोगी आंटी ने जहर देके मार दिया। मैं नहीं पालूंगी किसी और के बच्चे को, पता नहीं भाई है तुम्हारा या बेटा। आप क्या बोल रही हैं? वो ही बोल रही हूँ जो मुझे बहुत पहले बोलना चाहिए था। ये लो पकड़ो इसका सारा सामान, बाप मर गया इसका, समझ आइए। इसका सर दर्द ना मैं नहीं पालूंगी, इसकी मुझे कोई जरूरत भी नहीं है। ये लो दूध वूध डिब्बा विब्बा सब। अब मेरे कमरे में कुछ लेने मत आना, चलो निकलो यहाँ से, निकलो मेरे कमरे से बाहर जाओ। और अब अगर तुम और ये बच्चा मुझे नजर आए ना मेरे कमरे में, फिर देखना ये नहीं देती। माँ खराब कर दिया मेरा।
मैं तो सोच रहा था कि चाय पे तुम मेरा इंतजार करोगी। मुझे इंतजार करने की आदत नहीं है। ये तो बहुत अच्छी बात है, इससे पता चलता है कि तुम्हारी मेरी आदतें बहुत मिलती हैं। मुझसे शादी करोगी? के लिए कुरान खानी रखवाई है। मम्मी की कुरान खानी नहीं है, बाबा का सोयम है। समझते हो ना सोयम? बाबा का सोयम तुम्हारे बाबा का सोने। क्यों आई हो? अब क्यों आई हो यहाँ? तमाशा देखने आई हो? क्यों आई हो? वापस चली जाओ उन्हीं लोगों में जिनके साथ तुमने अपनी जिंदगी के सबसे अच्छे वक्त गुजारा। क्यों आई हो? ड्राम में लेकिन अभी कोई नहीं रहा तुम्हारे नखरे उठाने वाला। बेटा बाबा को तकलीफ हो रही होगी। तुम्हें याद है ना मम्मी के जाने के बाद बाबा क्या समझाया करते थे? खाना खा लो मेरी जान, शाबाश। छोड़ के चले गए हमको,
इस बात का एहसास किया उन्होंने, मैं क्यों उनकी बात मानूं? तो जब मैं पागल हूं जो यहाँ के तुम्हें संभालू, उधर जाके समी को देखू और वो जो ड्रामेबाज औरत बाहर बैठ के रोने मचा रही है, मैं उसकी बातें सुनती रहूं। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। अभी तुम अगर पैदा ना हुए होते ना, तो ना मैं पापा से नाराज होती और ना वो मुझसे इतना दूर जाते। सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। अभी अभी क्या कर रही हो? वो सो रहा है। मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी, कभी प्यार नहीं करूंगी। अभी अभी छोड़ो इसे। अभी अभी देखो तुम उसे, अभी छोड़ो, अभी तुम उसे तंग कर रही हो। जब ये बड़ा होना तो इसे बता देना कि मैं इससे प्यार नहीं करती। बज़ाहिर तो ये नहीं लगता कि आपके बाबा की टारगेट किलिंग हुई, ये तो एक स्ट्रीट क्राइम की वारदात लग रही है। और इस तरह के केसेस को बंद करने के लिए पुलिस के पास कई जवाब होते हैं। फिर तायजान आईजी हैं पर हम लोग उनसे मिलते नहीं। अब आपको मिलना पड़ेगा उनसे। चलें आप कह रही हैं तो फिर मैं जरूर मिल लूंगा। अबीर जाओ इनके लिए चाय लेकर आ। आप उनसे कुछ बात करना चाह रहे हैं? क्या आप अबीर से शादी करेंगे? अभी? जी नहीं, बाबा के 40वें के बाद। अगर इसी दौरान आप अपने पेरेंट्स को यहाँ पर ले आए तो वो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। मुझे तो इस रिश्ते में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और रही बात मेरी मामा की तो मैं उनको जानता हूँ, उन्हें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर आप बदल गए तो? मैं बातें करने पे नहीं प्रूफ करने पे बिलीव करता हूँ। क्या प्रूफ करना चाह रहे हैं आप मेरी आपी को? प्रूफ तो इन्होंने कर दिया है, तुम्हारी एक ही कॉल पर जो यहाँ आ गए। जो लोग सच्चे होते हैं वो चोर दरवाजों से नहीं आया करते। मगर कासिद मसला एक। क्या? जो कागजात है उस पे ना अबरार साहब का नाम है और ना मेरा। उस पे तो नाम है उनकी मरहूम बीवी का और उनके बाद इनकी बच्चों का, हमारा कुछ नहीं है उसमें। भला बताओ अब हम क्या करेंगे? वैसे खला तूने उस दिन मुझसे कहा था कि ये अबीर बड़ी बद दिमाग और बद मिजाज है, लेकिन मोम उसमें तो कोई ऐब नहीं, वो तो बनी मेरे लिए है। मोमना से ना मेरा निकाह करा दो बस। मोमना होगी मेरी बीवी और घर होगा मोमना के नाम, फिर घर किसका हुआ? अरे भांजे का खाला, अब तेरी भी जिंदगी ना सुकून से गुजर जाएगी। क्या चोरी लगेगी हम दोनों की खाला, मैं तो बोलता हूँ जिंदगी सुकून में आ जाएगी बस।
बस तू मौका देख के हमारी शादी करा दे। हैं? क्या बात है? वो बेगैरत, इसके बाप का कालिस्मा नहीं हुआ अभी तक, तुझे शादी की पड़ी है? शर्म आती है तुझे? तबाह यहाँ से। तो क्या करूँ मैं? चालीसवें के चक्कर में बैठा रहूँ? और तू भी तो सारे दिन टांग पर टांग रख के गेम खेलती रहती, खाला कुछ नहीं होता तेरे से भी। जा रहा हूँ। फिर बाबा की सारी चीजें अपने पास रखने का मकसद क्या है? मैं अभी जाकर पूछती हूँ। नहीं, मुझे समझदारी से काम लेना होगा। मुझे ये बताओ कि बाबा के केस में कोई पेशरफ्त हुई? हाँ, एक पेशरफ्त हुई है। फराज को लगता है कि बाबा को टारगेट किया गया है और उसका शक इन मोहतरमा पे है। फराज, हेलो अरम, हाउ यू? कैसे हो? ठीक ठाक। कहाँ हो इतने दिनों से भाई? तुम्हें याद है ना, एक मैच रह गया था मेरे तुम्हारे बीच। तो फिर बताओ, कब हराने आ रहा हूँ मैं? जब तुम्हारा दिल चाहे। अभी तुम? क्यों? मैं यहाँ नहीं हो सकती? आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं क्या? जानते थे। क्यों फजूल बातें कर रही हूँ? क्या हो गया था? यार ये मेरे एक बहुत अच्छे अंकल हैं, बहुत करीबी, उनकी छोटी बेटी है। अच्छा, कैसा है समी? पर अबरार अंकल कैसा? मर गए अबरार अंकल। समी जिंदा है, अपनी माँ जैसी बड़ी बहन के सहारे। व्हाट, ये तुम क्या कह रही हो? तुमने हम में से किसी को बताया क्यों नहीं? बताने की कोशिश की थी, आप ही ने फोन किया था आपको, लेकिन उस दिन आपकी मंगनी थी। मेरा फोन यहाँ रखा था, किसी ने देखा है क्या? हाँ, वो यहाँ पर रखा हुआ था तो फिजा ने मुझे दिया। देखो, अगर फिजा की जगह कोई और लड़की होती ना, तुम्हारे सारे मैसेजेस चेक कर लेती।
सॉरी यार, मेरे पास अल्फाज ही नहीं है अपनी सफाई में कुछ भी बोलने के लिए। जिंदगी के किसी मोड़ पर मैं खुद को इतना बेबस महसूस करूंगा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन ये सब तुम्हारी गलती है। तुमसे मैंने कहा था ना कि जिंदगी हमारी, फैसला भी हमारा होना चाहिए, लेकिन नहीं, तुम्हें मेरी खुशी की, मेरी चाहत की कभी परवाह ही नहीं हुई। ये जो लव्स है ना चाहत, इसे आप अपनी जिंदगी से निकाल दें। गुजारा हो जाता है चाहत के बगैर, इज्जत के बिना जिंदगी नहीं गुजरती। फिजा बहुत अच्छी लड़की है। सजना आपका बहुत ख्याल रखेगी। सजना सभी अच्छे हैं, बस एक नहीं बुरा रह गया। सजना कोई ख्याल रखे ना रखे क्या फर्क पड़ता है। दर्द बेइंतहा पल पल में लम्हों में है, कैसे भुलाऊं मैं तुझे। अक्स तेरा ही जाना नींदों में सपनों ने है, कैसे बताऊं मैं तुझे। तुम दूर हुए मजबूर हुए, हम कैसे करें ये दर्द बयां। रेजा रेजा सब ख्वाब हुए, छम छम बरसे प्यासी अखियां। वैसे ऐसा कौन सा जरूरी काम आ गया था जो आपने मुझे यहाँ बुला लिया। अरे घर पे बुला लेती, वहां सुकून से बैठ के बात हो जाती और इसी बहाने में आपका घर भी देख लेती हैं। अब रिश्तेदारी भी तो है हमारी। तुम्हें क्या लगता है मैंने तुम्हें यहाँ रिश्तेदारी जोड़ने के लिए बुलाया? तो और क्या मकसद हो सकता है भला। वैसे आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? मैं तो खैर यही सोच रही थी भाई कि आप मेरे घर नहीं आना चाहती, इसलिए आप मुझे अपने पास बुला रही। तुम्हारा नंबर कैसे मिला, तुम्हें यहाँ कैसे बुलाया गया, ये तुम्हारी समझने की बात नहीं है। तुम्हारी समझने की बात ये है कि यहाँ पर तुम्हें क्यों बुलाया। वही तो, अब बता भी दें बात क्या है। मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी मोमना को मेरे बेटे की जिंदगी से इतनी दूर ले जाओ कि मेरा बेटा उसकी शक्ल कभी ना देख पाए। मतलब बहुत सीधा साधा सा है। मोमना का तुम कोई ऐसा इंतजाम करो कि वो अरम के लायक ही ना रहे। उसकी वजह से अरम मुझसे बहुत नाफरमानी करता है जो मुझे बिल्कुल गवारा नहीं है। हाय अल्लाह, इसमें हैरान होने वाली कौन सी बात है। हम कुछ लोगों से इतनी नफरत करते हैं कि उन्हें जान से मार देने का दिल चाहता है। कैसे हुई तुम्हारी? हाँ, किसकी इजाजत से आए हो अंदर? निकलो बाहर अभी इसी वक्त निकलो और अपनी खाला को साथ लेकर जाओ। कैसे आए हो तुम? समझते क्या हो तुम अपने आप को? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रिश्ते का पैगाम भेजने की? बोलो हिम्मत कैसे हुई है तुम्हारी? ये हिम्मत तो तुम्हारी मोहब्बत ने दी है। जब से तुम्हें देखा है ना तुम्हारी यादों में गुम रहता हूँ। ये तो खुशनसीबी है तुम्हारी कि तुम्हारे लिए इज्जत से रिश्ता भिजवाया मैंने। तुम्हारे पुराने आशिक की तरह नहीं हूं, पहले सारे मजे लूं और फिर शादी से इनकारी कर दूं। तुम्हारी इस घटिया सोच और बकवास का मेरे पास कोई जवाब नहीं है।
अभी इसी वक्त निकलो और पलट कर वापस मत आना, समझे तुम? निकलो वरना अच्छा नहीं होगा, निकलो। क्या जहालत है ये है? क्या किया तुमने? पागल तो नहीं हो गई है? इससे अच्छा लड़का कहाँ मिलेगा तुझे? तेरे तो दिमाग ही जमीन पे नहीं आ रहे। आप होश में है? क्या हो गया है आपको? मेरे बाबा ने आपको कितनी इज्जत दी, इस बच्चे की माँ बन के आई थी आप इस घर में, मगर आपके अंदर की औरत का ये खौफनाक रूप, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। मत सोचो, अरे भाई से बहुत प्यार करती हो ना तुम, इसकी जिंदगी चाहती हो ना, तो चुपचाप मुझसे शादी के लिए राजी हो जाओ, वरना क्या कर रहे हो? छोड़ो इसको। मैं बात करती हूँ, बच्चे को बीच में मत ले करा। हाला अब तो ये बच्चा बीच में आ गया है, इज्जत से इसका हाथ मारा था ना मैंने, लेकिन इसको इज्जत राज नहीं। इसको छोड़ो वरना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अब इसको मैं बताऊंगा कि बेइज्जती का जवाब दिया कैसे जाता है। मैंने तुम्हें कहा ना तुम्हें को छोड़ो वरना जिंदा नहीं छोड़ूंगी। खाला समझा लो इसको, शादी के लिए तैयार हो जाए। रोज बुलाया मैंने अपना, काजी को लेके आ रहा है, ये निकाह आज ही होगा, इसी वक्त होगा, वरना इसका मैं वो हाल करूंगा कि ये किसी और से निकाह के लिए काबिल नहीं रहेगी। बेइज्जती कहते किसको है ये इसे मैं आज बताऊंगा। समी, समी, अरे रुक जा, समी, रुक जा, छोड़ा, मैं तुझे मार देगा, मार देगा। मुझे समझ नहीं आ रही, नहीं आ रही मुझे, खत्म, छोड़ो, वो तेरे भाई को मार देगा, मार देगा उसका बैग यहाँ पे, खबरदार जो अब उठी। ये तो, या अल्लाह, ये तो कासिर है, मैं जानती हूँ उसको, फराज मैं जानती हूँ उसको। What? कौन है ये? मैं जानती हूँ ये मेरे बाबा की दूसरी बीवी का रिश्तेदार है, मैं जानती हूँ उसको, इसने मेरे बाबा को मार दिया, इसने मेरे बाबा को मार दिया। कैसा लग रहा? वाह माशाल्लाह, माँ सदके इतना प्यारा लग रहा है ना, प्यारा लग रहा हूँ कि नहीं? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या प्रोग्राम है मैडम का? बस मान गई है। हाँ मैडम, प्यार है ना? हैं? हाँ लग रहा यार। हेलो, हाँ के ना, हाँ के ना, लगता है टाइम नहीं है इसके पास। ला भाई इसको, ला, ऐसे नहीं मानेगी नहीं। अरे क्या कर रहा है कासिम? छोड़ो, अरे हाँ के ना, छोड़ो उसको, छोड़ दे, बहुत प्यार है तुझे, हाँ से ज़्यादा प्यार है ना, अब बता इसको क्या करना है, शादी करती है कि नहीं? इसको छोड़ दो प्लीज, अभी तो करती है कि नहीं? हाँ बोल ना, बोल दे, बोल जल्दी क्या। मोमना इब्रार, दोस्तर इब्रार हुसैन, आपका निकाह कासिद शफीक के साथ मुबलक 50,000 रुपए हक में रखे वज़ इन गवाहान की मौजूदगी में पढ़ाया जाता है, क्या आपको ये निकाह कबूल है? ये सब क्या हो रहा है? अरहम, तुम शादी कर रही हो? तुमने बताया क्यों नहीं मुझे? अरहम, ये लोग जबरदस्ती मेरी शादी कर रहे हैं, इन्होंने मुझे धमकी दी कि वो समी को मार देंगे। अरहम प्लीज, अरहम समी को बचा ले। अरे बंद करो ये नाटक है, पहले तो जब मैंने कहा कि कासिद से शादी करो तो फौरन हामी भर ली खुशी खुशी, और अब जैसे ये सामने आया तो ये नाटक शुरू कर दिया। अरे खाला ये क्या लड़की है, वो आप तो कह रही थी बड़ी बोली वाली सी है, ये तो इतनी चालबाज निकली। अरे हम ये लोग झूठ बोल रहे हैं,
मैं कसम खा के कहती हूँ ऐसा कुछ नहीं है। ये सभी को मार देंगे, प्लीज अरे सभी को बचा लीजिए। अरे अरे झूठ बोल रही है, हम क्यों भला बच्चे को मारेंगे, खुद बताओ क्यों मारेंगे हम। अच्छा हम लोग बैठकर आराम से बात करते हैं, तुम लाओ सभी को मुझे दे दो। अगर इसने तुमसे शादी का वादा किया ना, मैं तुमसे वादा कर रहा हूँ मैं तुम्हारी शादी इससे करवाऊंगा। और हम? तुम चुप करो। यार ये हुई ना बात, यार तुम तो अपनी बिरादरी के निकले हैं। मैं सिर्फ तुम्हारी बिरादरी का नहीं हूँ, हमारा मिशन भी एक है, मोमना की शादी। लाओ समय को मुझे दे दो। अच्छा एक काम करते हैं, मुझे ये बताओ शादी अभी करनी है या धूमधाम से? ओ, अभी तो मैंने सिर्फ निकाह करना है, शादी बाद धूमधाम से होती रहेगी। ये हुई ना बात। अरहम भाई आप यहाँ कैसे हो और ये सब क्या हो रहा है? भाई, ये सब किसने करवाया ना? तू है ना इन सबके पीछे? समी देखूंगा तुझे मैं। समी भाग तक आए, रुक। पकड़े उसको, पकड़े, भाग भागने ना पाए, पकड़े इसको। अरे मुझे तो छोड़ दो, मैंने क्या किया? चलो आज नहीं, जोर से पकड़ा मैं, जिसने किया था वो तो भाग गया, उसको पकड़ो ना। उसे भी पकड़ लेंगे, वो कहाँ जाएगा भागकर। अरे छोड़ो मुझे, छोड़ो, मैंने क्या किया? वैसे मोमना मैं खुशी के इस पल में किसी का जिक्र नहीं करना चाहता, या मैं हूं तुम हो और मुझे किसी का साथ नहीं चाहिए। ये क्या तमाशा है, कहां से आ रहे हैं आप लोग और ये तीनों मेरे घर में क्या कर रहे हैं? और मैंने तुमसे कहा था ना कि दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, लेकिन तुम्हें भी हर दो चार रोज के बाद बेइज्जती के डोजेस चाहिए होते हैं। मामा हर इंसान की इज्जत उसके अपने हाथ में होती है, मुझे आपका ये अंदाज बिल्कुल पसंद नहीं आया। पर हम बिल्कुल ठीक कह रहा है, ये बच्चे उस घर में सेफ नहीं थे, इसलिए मैंने यहां ले आया हूं। अब मैं इतना बुरा इंसान भी नहीं हूं कि मैं अपने दोस्त की अमानतों की हिफाजत ना कर सकूं। क्या हो गया अफान, आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया? शहर में बेशुमार यतीम खाने हैं, वहां छोड़ाते हैं इन्हें, मेरा घर कोई दारुल अमान नहीं है। ये सिर्फ तुम्हारा घर नहीं है, ये मेरा घर भी है, और अगर तुम्हारे रिश्तेदार यहाँ रह सकते हैं तो ये बच्चे भी यहाँ रह सकते हैं हमेशा। अफान आप मेरे साथ इस तरह का खेल खेलेंगे, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। अच्छा फजूल बातें मत करो, जाओ जाके आराम करो। चलो बच्चों तुम भी आराम करो, आप ही तो आओ, गेस्ट रूम नीचे मैं दिखाता हूँ। तुम रहो तुम इन यतीमों के साथ इस घर में अब, लेकिन मैं एक पल भी इस घर में अब नहीं रहूंगी। चलो फिजा तुम मेरे साथ चल रही हो। आंटी क्या हो गया, आप रिलैक्स करें, आप क्यों अंकल से लड़िए या अपना घर छोड़ के जाएंगी? अंकल ने तो इन लोगों को सिर्फ शेल्टर दिया है ना अंकल? कौन सा कोई अरहम मोमना से शादी करने लगा है, राइट मोमना? मैं ठीक कह रही हूँ ना? मैंने तो सुना है कि तुम काफी खुददार और समझदार किस्म की लड़की हो, तुम तो हरगिज़ ऐसा नहीं चाहोगी कि तुम्हारी वजह से अंकल आंटी के दरमियान कोई भी प्रॉब्लम हो। चलो
आखिर आज तुम मुझे ये बता ही दो कि अपना घर छोड़कर यहां पर क्यों पड़ी हुई हो और मेरे घर का सुकून बर्बाद क्यों कर रही हो आप। हाँ हाँ बताओ मुझे, मैं सुनना चाहती हूँ, कब मेरा ये गेस्ट रूम छोड़कर जाओगी तुम? जैसे ही बाबा का कातिल मिल जाएगा हम यहां से चले जाएंगे। आपके पहले ही बहुत एहसान है, मजीद एहसान नहीं लेंगे। यहाँ कौन कब तक रहेगा और कौन यहाँ से चला जाएगा, आई थिंक इसका डिसीजन अगर पापा लें तो ज्यादा बेहतर है। तुम्हारे पापा ने अपनी पूरी जिंदगी में कोई भी बात समझ के नहीं की, उनके सामने तो सिर्फ रो दो तो वो मोम हो जाते हैं। अब मोमना की वजह से तुम्हारे और फिजा के दरमियान जो मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू हो गई है, उन्हें तो ये बात कभी समझ में आने वाली है ही नहीं। मैं चाहती हूँ कि ये लोग जल्द से जल्द यहाँ से चले जाएं। मैं लोगों को और बर्दाश्त नहीं करूंगी। कासिद, कासिद, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मामा कासिद को जानती है? आए हाय, ये चाय है कि बारिश का गदला पानी? तौबा, मैं तो नहीं पी रही। हाय अल्लाह, मेरे अच्छे दिनों को किसकी नजर लग गई, कौन खा गया मेरी जिंदगी। कौशिक के बच्चे, तुझे तो अल्लाह पूछे, मेरी जिंदगी तो बर्बाद थी, मेरी भी कर दी। ये खैर, पुलिस ने कासिद और उसके पूरे गैंग को अरेस्ट कर लिया। फराज, तुम सच कह रहे हो? या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। तुम्हें अंदाजा नहीं है तुमने मुझे कितनी बड़ी खबर सुनाई है। मैं अभी जाके आप ही को बताती हूँ, वो सुनकर बहुत खुश होंगी। अच्छा तो वीडियो कॉल पर आ जाओ, मैं भी तो देखूँ ना तुम्हारी खुशी। क्या बकवास है, थैंक यू सो मच। तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी, और जिंदगी ने कभी मौका दिया ना तो ये बदला जरूर वापस करूंगी। एहसान फरामोश नहीं हूं। ये एहसान, बदला, थैंक यू, ये इस तरह के वर्ड्स बोलकर तुम ना मेरी फीलिंग्स को ना इंसल्ट कर रही हो। या अल्लाह, कैसे कर लेते हो इतनी मुश्किल बातें, तुम पर बिल्कुल सूट नहीं करती। मजाक नहीं कर रहा हूं और ना ही मजाक का कोई मूड है मेरा। और एक बात तुम सुन लो कान खोलकर, आइंदा ना ये मुझसे ये इस तरह के लहजे में बात नहीं करोगी तुम, समझ आ रही है ना तुम्हें? नहीं आई समझ, जाओ क्या कर लोगे? हेलो, आओ भी आओ छोटे ब्रार। माशाल्लाह कितना शरारती हो गया बाप के साथ। अंकल, बाबा और शरारती, आपको पता है ये दुनिया का सबसे चुलबुला बच्चा है। तुम्हें मालूम नहीं है तुम्हारा बाप कितना चुलबुला और शरारती था। तो ऐसे बचपन में क्या फायदा जिसमें शरारती है। अरहम, तुम्हारी शादी की तैयारियां कहां तक पहुंची? अफान, मैं सोच रही थी कि जिस बात का इशू था वो तो अब खत्म ही हो गया है, ये लोग तो इधर आ गए हैं। ऐसा करते हैं कि अब इनको इनके घर वापस भेज देते हैं, क्योंकि अब शादी के लिए मेहमान तो आएंगे ही ना, उनके लिए गेस्ट रूम चाहिए होगा। मैं सोच रही थी कि गेस्ट रूम की रेनोवेशन करा लूं और कुछ सेटिंग भी चेंज कर दूं, क्या कहते हैं आप? मैंने तुम्हें पहले ही बताया था और दोबारा सुन लो, ये दोनों बच्चियां अब यहीं रहेंगी इसी घर में। वैसे आंटी, अरहम भाई की शादी के लिए जो आप गेस्ट रूम रेनोवेट करवाना चाह रही हैं, उसे सेटअप करने में मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ।
हाँ मुझे पता है इस तरीके की हरकत सिर्फ आप कर सकते हैं, छोड़े मुझे। अगर आंटी ने देख लिया तो? एक तो तुम डांटती बहुत हो मुझे। सुनो, क्या आदमी अपनी बीवी के जरा भी करीब नहीं हो सकता? बिल्कुल नहीं। आपको पता है ना मुझे ये सब कुछ बिल्कुल पसंद नहीं है, पर से हम अमतुल आंटी से झूठ बोल के यहाँ रह रहे हैं तो वैसे ही डर लगा रहता है कि जिस दिन उन्हें पता चलेगा कितना हर्ट होंगी। चलो एक काम करते, चल के मामा को बता देते हैं कि मेरा निकाह तुमसे हो गया है, अब मैं फिजा से नहीं बल्कि तुमसे शादी करूंगा। अरे हम पागल हो गए हैं क्या? हाँ, और मुझे पागल होने पर तुमने तो मजबूर किया है इतनी मासूम मासूम बातें करके। अब बंदा तो बशर है, बहकेगा नहीं तो और क्या करेगा। अगर ये बंदा है बशर, थोड़ा होश में रहे तो बेहतर है। तुम कितना डरती हो ना मुझसे। अरीज ये कैसा है? वाओ, और अच्छा है। कलर अच्छा लगेगा मुझ पर? बहुत सूट करेगा। अरे अमतुल कैसी हो? ठीक हो? लगता है काफी बिजी हो तुम लोग। व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस! क्या शादी के बाद भी तुम लोगों की शॉपिंग खत्म नहीं हुई? वैसे बहुत बहुत मुबारक हो अरेम की शादी की। तुमने तो किसी को शादी में बुलाया नहीं, लेकिन देख लो हमें फिर भी पता चल गया। वैसे मैं तुम्हारे घर आना चाह रही थी, तुम्हारी बहू से मिलने। मेरे घर? हाँ, क्या तुम्हें मोमना और अरेम की शादी के बारे में पता नहीं है? लेकिन अफान भाई तो शामिल थे उसमें, और फराज वो तो निकाह का गवाह था। उसे बहुत अच्छे लगते हैं ना ऐसे नेकी के काम करना।